लेकिन आईटीआई करिए ज़रूर, क्योंकि दोस्त टेक्निकल लाइन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, बेरोज़गार नहीं रहेंगे, वरना किसी के पास धक्के नहीं खाने हैं, आपके पास अपना हुनर होगा, उस हुनर को आप कभी भी कैश कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। जी हाँ दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको 5 ऐसे आईटीआई के ट्रेड के बारे में, यानी कि जब आप आईटीआई करते हैं तो किस फील्ड से आप आईटीआई करते हैं उन्हें ट्रेड कहते हैं। तो 5 ट्रेड मैं आपको बताने वाला हूँ जिनमें बहुत इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हमारी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो बहुत ही खास है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, माय से गुरु भारद्वाज, और मैं टीचर हूँ और टीचर होने के नाते अपने स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करता हूँ। तो मेरे वो स्टूडेंट जो आईटीआई करने की सोच रहे हैं, मैं उससे पहले एक बात आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हैं एकेडमिक पढ़ने के बाद कामयाब हो जाएंगे तो देयर विल बी ए लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन जिसे आप फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ते हैं, यानी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कामयाब होने के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईटीआई करने की सोच रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आईटीआई में आप जिस भी फील्ड से करते हैं, जॉब तो कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन प्रायोरिटी ये 5 ट्रेड्स। सबसे पहले ट्रेड, मैं 2 ट्रेड लेना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, 2 ट्रेड के नाम है, एक है आपका फिटर और एक है इलेक्ट्रिशियन। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ट्रेड ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरियाँ राज्य स्तर पर स्टेट और केंद्रीय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज लगातार निकलती रहती हैं। ये ऐसे ट्रेड हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के या प्राइवेट आईटीआई में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए या सरकारी आईटीआई में जाते हैं, तो दोनों जगह पर आपको ये ट्रेड मिल जाएंगे। अब ये ट्रेड इतने खास क्यों हैं, क्योंकि फिटर जो मशीन्स वगैरह यानी कि जो फिट करते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रिशियंस जो हर जगह जिनकी नीड होती है, इनकी नीड इतनी ज़्यादा है कि इसलिए ट्रेड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बट इन ट्रेड के मैं आपको कुछ निगेटिव पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि एक निगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि आपको इस ट्रेड को करने के बाद कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ सकता है। यानी कि जब ये तो पक्का है कि बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं हज़ारों की संख्या में, लेकिन उन वैकेंसीज में उतने ही स्टूडेंट्स क्वालिफाई यानी कि उतने स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट आईटीआई में भी ट्रेड मिल जाता है और सरकारी आईटीआई में भी ट्रेड मिल जाता है। अब आपको पता कैसे करना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर्स आते हैं, उनको लगा लीजिए, वो अगर आते हैं तो उनमें वैकेंसीज आती हैं, तो उन वैकेंसी को रिमार्क करते रहना, वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि किस ट्रेड में ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। लेकिन ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, और मेरा एक ब्रदर है जिसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, वो खुद आईटीआई करके जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिशियन है, तो उसने ही मेरे को सजेस्ट किया था इस वीडियो के लिए। दूसरा, 2 ट्रेड मैंने आपको समझा दिया। तीसरा ट्रेड जो मैं गाइज आपको लेना चाहूँगा, ये बहुत ही खास ट्रेड है जिसे कहते हैं मशीनिस्ट। जो मशीनिस्ट होता है वो कौन होता है, जो मशीन चलाने वाले। अब मशीन चलाने वाले का काम बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अगर 2 ट्रेड के बाद तीसरे ट्रेड पे बात आती है तो मशीन ट्रेड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ में निकलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की निकलती हैं, और बल्कि मैं आपको कहूँगा कि इसमें जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला ट्रेड आपको प्राइवेट आईटीआई में कम मिलेगा, गवर्नमेंट आईटीआई में ज़्यादा मिलेगा। तो ये ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन दोनों में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये तीसरा ट्रेड भी लगा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा खास है मुझे लगता है। 4 ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो उसको कहेंगे वेल्डर। जी हाँ दोस्तों, वेल्डर ट्रेड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये ऐसा ट्रेड है जिसमें आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्कोप है। अगर गवर्नमेंट में नाम आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या है दोस्त, लेकिन आईटीआई करिए ज़रूर, क्योंकि दोस्त टेक्निकल लाइन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, बेरोज़गार नहीं रहेंगे, वरना किसी के पास धक्के नहीं खाने हैं, आपके पास अपना हुनर होगा, उस हुनर को आप कभी भी कैश कर सकते हैं। अब जो वेल्डर वाला ट्रेड है, ये ट्रेड 1 साल का होता है गाइस, सबसे बड़ी बात इसमें ये है, और ये प्राइवेट में सरकारी में दोनों आईटीआईज में मिल जाता है, और इसमें गवर्नमेंट वैकेंसी जैसे रेलवे में भी निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ भी काम निकल जाता है। और आपको पता है हर जगह वेल्डरिंग की तो ज़रूरत होती है, तो वेल्डर का काम बहुत ज़्यादा सही है, आप इसे कर सकते हैं। और 5वें और लास्ट नंबर पे जो मैं लेने वाला हूँ ट्रेड, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि
अगर आपके मन में कुछ लगन है कुछ करने की और टेक्निकल काम आपको थोड़ा सा करना अच्छा लगता है, आप आईटीआई में तभी आइए। केवल जॉब के लालच से आईटीआई करना बेकार हो जाएगा, आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको काम मिलेगा लेकिन आपका उसमें मन नहीं होगा। और गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में इंटरव्यूज़ होते हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जहाँ पर आपको काम तो रेगुलर करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मशीनिस्ट मैंने जो तीसरा बताया है उसमें एक प्लस पॉइंट आपको ये है कि वहाँ पे मशीनें काम करेंगी, आपको ज़्यादातर बैठना है तो वहाँ पे रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि आपको बस मशीन को चालू करना है या ऑपरेट करना है, जैसे कि फोरमैन होता है तो वो नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो ये भी एक बहुत सही लगा मुझे। और लास्ट नंबर पे जो है वो है टर्नर। जी हाँ दोस्तों, टर्नर जो है वो मशीनिस्ट से ही रिलेटेड है। टर्नर और मशीनिस्ट ये दो ट्रेड ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज जो होती हैं, जैसे BHL है, ONGC है, ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर वैकेंसीज इनकी निकलती हैं। टर्नर भी हाई मशीन्स का जो चलाते हैं उनको काम होता है। तो ये जो दो ट्रेड मैंने बताए, एक तो मशीनिस्ट और एक टर्नर, ये दोनों आपको प्राइवेट ITIs में नहीं मिलेंगे। आप अपने आसपास के प्राइवेट ITI में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये ट्रेड नहीं मिलेंगे। तो गाइज, ये पांच ट्रेड मुझे लगे कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है अगर आप ITI कर रहे हैं तो। वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आपको नहीं नॉलेज है ITI की और आपको ITI करने का मन है 10th बेस पे, 12th बेस पे, तो आप इनमें से कोई भी एक ट्रेड चुनकर आप उसमें अपनी लाइफ बना सकते हैं। मेरा खुद एक ब्रदर इलेक्ट्रीशियन है, बिजली विभाग में जो हरियाणा के अंदर है, और वो थोड़ा सा हैंडीकैप भी था तो उसको उसका बेनिफिट मिला और उसकी प्लेसमेंट्स हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल भी हो जाती हैं, ये में बहुत लाइफ है। और सबसे बड़ी बात है, अगर गवर्नमेंट में कहीं ना मिला तो प्राइवेट में बहुत स्थान है। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे।